रायपुर नगर निगम ने एक महीने पहले देवेंद्र नगर के जिस लोडा कॉम्प्लेक्स को अवैध निर्माण बताते हुए तोड़ने की कार्रवाई की थी और अगले दिन अचानक कार्रवाई रुक गई थी, उस कॉम्प्लेक्स का निर्माण एक बार फिर होने लगा है। इस पर नगर निगम कमिश्नर का कहना है कि अगर निर्माण हो रहा है तो फिर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि जब निर्माण तोड़ने के पास फिर से कैसे बनाया जा रहा है तो कोई साफ जवाब नहीं दे सके। बता दें कि एक महीने पहले देवेंद्र नगर स्थित कपड़ा मार्केट के पीछे की बेशकीमती जमीन पर बने कॉम्प्लेक्स को तोड़ने के लिए भारी भरकम अमला लेकर नगर निगम टीम पहुंची थी, लेकिन तब भी एक दिन बाद अमले का हौसला ठंडा पड़ गया था, जिस पर बड़े सवाल फिर उठने लगे हैं कि 5 दिन तक चलने वाली कार्रवाई एक ही दिन में क्यों रोक दी गई। जो बनाने लगे हैं उसकी मुझे उसका मैं कारण आपको नहीं बता पाऊंगा, पर जो हमने कार्रवाई की थी वो कार्रवाई वर्तमान में भी अपन जैसे ही हमारा अमला फ्री होगा अपन पुनः करेंगे। निर्माण जो है वो अनुमति से ज़्यादा है, पहले भी ज़्यादा था, अभी भी जहाँ तक मेरी जानकारी है ज़्यादा ही है। अगर नियमानुसार राजीनामा किया जा सकेगा तो राजीनामा किया जाएगा, निगम को आय होगी एवं हम सुविधा दे पाएंगे। अन्यथा अधिक जानकारी के लिए सत्या राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्या, क्या कुछ पूरी जानकारी इस मामले में? जी रितु, देखिए पूरा मामला रसूखदारी और अप्रोच के कारण ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। नगर निगम एक माह पहले यहाँ पे कार्रवाई करने के ये कहकर गई थी कि इसको 2 मंजिला का परमिशन है, लेकिन ये 5 मंजिला का ये आवास बना लिया गया है, कॉम्प्लेक्स बनाया गया है और इस तरह यहाँ पे 20,000 स्क्वायर फीट में अवैध निर्माण के लेकर वो कार्रवाई करने पहुंचे थे और साथ कहा गया था कि ये लगभग 5 दिन की कार्रवाई चलेगी ये कॉम्प्लेक्स को ढहाने में, क्योंकि ये आवासीय एरिया है जहाँ कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। तो इस तरह का जो नोटिस जारी करने के बाद कार्रवाई की गई थी, जिसे देखते देखते आक्रोश के कारण जो निगम है नतमस्तक हो गया है और अभी कार्रवाई करने में कोताही बरती जा रही है। हालांकि यह हवाला दिया जा रहा था कि जो कॉम्प्लेक्स का मालिक है वो 20 दिन का समय मांगे थे, 15-20 दिन का, कि वो स्वयं वो जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ेगा, लेकिन वो ना तोड़कर उसको फिर से पुनः निर्माण कार्य में लग गए हैं। तो इस तरह ये लगातार जो सत्य बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि जब कार्रवाई शुरू हुई थी तो एक दिन में कार्रवाई क्यों रुक गई? इतनी बड़ी मंजिल यहाँ पर बनी हुई है, आधा अधूरा छोड़कर उसे छोड़ दिया गया, फिर कार्रवाई बीच में नहीं की गई और फिर से अब उसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है, आखिर कौन शेयर दे रहा है? देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पॉलिटिकल प्रेशर जो है और रसूखदारी का यहाँ पे असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो विधायक जुनेजा का एरिया है, कुलदीप जुनेजा का क्षेत्र है और वो जब कार्रवाई हो रही थी तो वो बार बार इससे हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये वहीं से जोड़कर देखा जा रहा है कि यहाँ पे राजनीतिक प्रेशर होने के कारण इसको रोका गया है, लेकिन यहाँ पे अधिकारी इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि वो कार्रवाई करेंगे कब करेंगे, जब 20 दिन का समय दिया गया था और अब एक माह से ज्यादा हो गया है और वो पुनर्निर्माण कर रहे हैं, जो निगम ढहा के आया था उसको वो फिर से बना रहे हैं, तो इस तरह ये निगम के आंख के सामने हो रही है, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं होना। आपने बात करने की सत्य कोशिश की होगी, निगम का अमला वहां पर पहुंचा था या वहां बात करने पहुंचे होंगे, उनका क्या कहना था? एक महीना बीत चुका है, आखिर क्यों, किसका दबाव उनके ऊपर है, उनका कुछ कहना था इस बारे में? नहीं देखिए, बिल्कुल वो लोग ये बोल रहे हैं कि प्रेशर बहुत ज्यादा है, लेकिन वो स्पष्ट रूप से ये नहीं बता पा रहे थे, क्योंकि कार्रवाई के दौरान वहां पर हम मौजूद थे और उस दौरान भी हमने लाइव किया, इस पर डिबेट किया, उस दौरान विधायक भी यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए थे और इसमें ही उन्होंने कहा था कि मैं इसमें ज्यादा जानकारी नहीं है करके वो अपना पल्ला झाड़ लिए थे, लेकिन जो अधिकारियों से चर्चा हुई तो उनके वो सिर्फ यही बोल रहे थे कि प्रेशर ज्यादा है, फिर भी आज हम कार्रवाई कर रहे हैं, कल कर पाएंगे कि नहीं ये बड़ा सवाल है, इस तरह से अधिकारियों से चर्चा हो रही थी, लेकिन ये है कि अब तक जो हो रहा है पुनर्निर्माण उस पर कार्रवाई न होना ये कहीं ना पूरे बात को पुष्टि करता है कि ये दबाव और अप्रोच के बीच में मामला फंस गया है। चलिए बहुत शुक्रिया सत्या जानकारी को साझा करने के लिए। धार के